यूपी एथलेटिक एसोसिएशन का सचिव हूँ। श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे जो होने जा रहा है टूर्नामेंट? वाराणसी एथलेटिक एसोसिएशन को ये जिम्मेदारी दी गई है इसी वजह से क्योंकि यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पास्ट का, और ये शहर के बाहर कराने के लिए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि शहर के बाहर कराने का यही पर्पज था कि कोविड की जो धाराएं या जो भी एसओपी बताया गया है उनको हम फॉलो करें, और इसका ऑर्गेनाइजेशन सुबह 8 बजे शुरू करेंगे। हम लोग रेसेस को अलग अलग करेंगे, बच्चों को भी मालूम है कि हम कोविड का जो रिस्ट्रिक्शन है एसओपी उसको फॉलो करके करेंगे। जो इसकी जो पार्टिसिपेशन होगा उसके बेसिस पे यूपी टीम का चयन होगा, जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो कि पहली बार हो रही है कोविड में, कोविड लॉकडाउन के बाद चंडीगढ़ में, वहां पे यूपी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैं सुभाष यादव। सुभाष जी किस तरह का आयोजन होने जा रहा है? सर ये यूपी एथलेटिक्स एसोसिएशन की तरफ से भारत को, बनारस को एक जिम्मेदारी मिली है इस कार्यक्रम को कराने के लिए जी, और ये कार्यक्रम दानगंज में जेएमएस इंग्लिश एकेडमी है वहीं पे आयोजित किया गया है। कब और किस तारीख को होने जा रहा है? ये 31 तारीख को है और स्टेट से लगभग 40 जिलों से टीम आ रही है, जिसमें 28 जिलों की टीम ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन अभी क्योंकि आज 29 तारीख 28 आज कितनी तारीख आज 29 तारीख है तो 31 तारीख को आना है, तो उस हिसाब से हमको हम लोगों ने अनुमान लगाया कि लगभग 40 जिले के लोग। बात की जाए तो अभी भी महामारी कम नहीं है, किस तरह से सोशल डिफेंस का पालन करेंगे आप लोग और बाहर की टीमों को किस तरह से मैनेज करेंगे? कोविड 19 को देखते हुए ही शहर से बाहर एसोसिएशन ने इसका आयोजन किया है जी, और वहां पे जो भी कोविड के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप आएंगे देखेंगे तो आपको कहीं से भी ये महसूस नहीं होगा कि हम गाइडलाइन के विपरीत कार्य। कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं बच्चे, पूरे यूपी से, पूरे उत्तर प्रदेश से। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता के लिए ऐसा गेम करवाने से? काशी एक गेम कराने का उद्देश्य ही है कि लोगों के अंदर खेल के प्रति एक जागरूकता है, बच्चे वैसे भी स्पोर्ट में ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए वाराणसी एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दिवसीय कार्यक्रम है ये? एक दिन का है, 31 तारीख को है, 30 से ही बच्चे आ रहे हैं। कोई एंट्री फीस भी रखे इसमें? फीस नॉमिनल है, नॉमिनल है। मुख्य अतिथि वगैरह कौन होगा? मुख्य अतिथि हमारे वाराणसी के डीएम साहब हैं जी। कितने बजे ये गेम शुरू होगा? 8 बजे शुरू हो रहा है और 11 बजे से डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है जिसमें हमारे चीफ गेस्ट बनारस के डीएम साहब। कोई चर्चित खिलाड़ी भी हैं उसमें 40? इसके लिए सर कुछ आप